हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इब्राहिम खान। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। योर फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका आपको एरिया मीन्स एरिया ऑफ ईच प्लेट एरिया दिया है। गिवन में आपको एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, एंड प्लेट सेपरेशन मीन्स दो प्लेट का जो अंतर है आपको दिया गया है, ये क्या होता है स्मॉल डी। प्लेट सेपरेशन यानी स्मॉल डी आपको दिया गया है, कितना है 2 mm। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 2 × 10⁻³ मीटर। नाउ फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस, आपको उसकी कैपेसिटी निकालना है। यहां पर आपको डायलेक्ट्रिक मीडियम दिया है क्या, नहीं, तो इसका मीनिंग ये है कि डायलेक्ट्रिक मीडियम यहां पर आपका एयर है। डायलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, आपका एयर है। तो नाउ द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इज गिवन एज, कैपेसिटी का फॉर्मूला εo(k)/d। बट हेयर इज एयर, फॉर एयर k = 1। आपको डायलेक्ट्रिक मीडियम दिया हुआ नहीं है तो k = 1, दैट इज वहां पे एयर है आपका डायलेक्ट्रिक मीडियम। तो c = 2। नाउ व्हाट इज एरिया, 4 × 10⁻⁴ × εo की वैल्यू फिक्स होती है कॉन्स्टेंट, दैट इज 8.85 × 10⁻¹2, फिक्स वैल्यू होती है ये εo, k की वैल्यू तो 1, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी आपका कितना है 2 × 10⁻³। नाउ दिस टू c = 2, दैट इज सी एयर, एयर कैपेसिटर है आपका 2 × 8.85 × −4 − 12 −16 होगा। कैपेसिटी c = 2 × 8.85 × 10⁻³ − 13, देयरफॉर सी एयर इज इक्वल टू दैट इज 17.7 × 10⁻³ − 13। सी एयर इज इक्वल टू, पॉइंट को इधर शिफ्ट करो तो +1, 10⁻⁰ + 1 −13 −12 होगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.77 × 10⁻², फैरेड, यूनिट ऑफ कैपेसिटी फैरेड, 10⁻²² मीन्स पीको, देयरफॉर सी एयर इज इक्वल टू 1.77 pF। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ आपको सेकंड पार्ट में कहा है व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विथ अ डायलेक्ट्रिक हैविंग डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6.7। सेकंड केस में क्या हुआ कि दो प्लेट में हमने क्या किया, दो प्लेट के बीच में डायलेक्ट्रिक मीडियम को फिल किया गया, इंसर्ट किया गया, और डायलेक्ट्रिक मीडियम का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6.7 है, मीन्स सेकंड कंडीशन में के दिया है को डायलेक्ट्रिक मीडियम का 6.7। तो हमको निकालना है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस विद डायलेक्ट्रिक में हम उसको बताते हैं सीडी। तो वी नो, हमको पता है सीडी इज इक्वल टू के इंटू सी एयर होता है सीडी, देयरफॉर सीडी इज इक्वल टू आपका के 6.7 × cAr, cAr आपका 1.77 pF। नाउ विच इज इक्वल टू पीको, दैट इज 10⁻²। देयरफॉर सीडी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 6.7 × 1.77, नाउ इट बिकम्स 11.859 × 10⁻². Which is equals to 11.859 pF, is polyfarad. 10⁻²² is pF. This is the first numerical.
A second problem is a parallel plate air capacitor has capacity of आपका एक parallel plate air capacitor है उसकी capacity means आपको C air दिया है 3×10⁻¹⁹ farad ठीक है. A slab of dielectric constant 3 उसके बाद में जो है नेक्स्ट में एक dielectric medium उसमें insert किया गया उसका constant 3 है और thickness 3 सेंटीमीटर है. thickness का हमको इसमें काम नहीं है. Now the potential difference between plate is maintained at potential difference जो है 400 volt. Now what is the change in energy of capacitor if slab is removed. पहले air capacitor था उसके बाद में जो है dielectric slab को insert किया गया है तो आपको उसके बाद में dielectric slab को remove किया गया तो आपको change in energy हमको calculate करना है निकालना है change in energy. Now first case में हम निकालेंगे that is energy. Energy निकालेंगे with air capacitor that is energy with air capacitor. तो energy का formula होता है आपका half cv square this equals to half. Now what is capacity air capacitor C air हम air निकाल रहे हैं energy of air capacitor. Now C air is nothing but 3×10⁻¹⁹ V. V आपका 400 है 400 square which is equals to half 3×10⁻¹⁹400 × 4×10⁻²² square लिख सकते हैं. Now this half 3×10⁻¹⁹ × 16 4 का square 16 plus 2 का plus 4. Now this 8×3 = 24 × −5 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 जूल. नाउ हमको पता है नाउ व्हाट इज सीडी के इनटू सी एयर होता है तो सीडी निकालो. सीडी डायरेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटी में डायरेक्ट्रिक मीडियम सीडी के कितना है आपका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 इनटू सी एयर. सी एयर आपको दिया है 3×10⁻¹⁹ तो यह होगा आपका 3×3 9 10⁻¹⁹ फैरेड. नाउ इन दिस केस द एनर्जी दैट इज एनर्जी विद डायरेक्ट्रिक ईडी निकालेंगे हम हाफ सी वी स्क्वायर दैट इज सी डी इंटू वी स्क्वायर हाफ. नाउ व्हाट इज सी डी 9×10⁻¹⁹ इंटू वी. वी कितना है आपका वी को 4×10⁻²² स्क्वायर लिख सकते हैं. नाउ विच इज इक्वल टू हाफ 9×10⁻¹⁹4 स्क्वायर दैट इज 16×10⁻⁴. नाउ दिस 8×9 = 72×10⁻¹⁵ जूल. नाउ चेंज इन एनर्जी ये तो होगा विद डायरेक्ट्रिक ये होगा एयर विद एयर. अब अगर हमने डायरेक्ट्रिक मीडियम को रिमूव किए तो एनर्जी चेंज इन एनर्जी हमको निकालना है. तो चेंज इन एनर्जी कैसा निकालेंगे चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू ईडी माइनस दिस ई एयर ईडी माइनस ई एयर. नाउ व्हाट इज ईडी 72×10⁻¹⁵ माइनस ई एयर 24×10⁻¹⁵. 72 में से 24 निकालो 12 में से 4 गए 8 यहां बचा आपका 6 में से 2 गए 48×10⁻¹⁵ जूल. चेंज इन एनर्जी कितना होगा आपका 48×10⁻¹⁵ जूल. ओके थैंक यू.